साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जिसके माध्यम से नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली समेत कई पर्वों और त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वों और त्योहारों का आगामी एक महीने का समय संवेदनशील है, आयोजनों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक की सहभागिता होगी, साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। अलीगढ़ में आईएपी के बैनर तले नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियों को नई नई तकनीक से इलाज करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर एवं अन्य जिलों के डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार में अचानक नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियों को लेकर मंथन किया गया। ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसके अंदर जितने भी हमारे बच्चों के इमरजेंसी में आते हैं हमारे पास में, तो उनको बेसिकली क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए, आए दिन गाइडलाइंस चेंज होती चली जा रही हैं, डेली के डेली रिसर्चेस हो रही हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप हमारे प्रोटोकॉल्स पर डे चेंज होते हैं। ये एक दिन की वर्कशॉप है। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ का अध्यक्ष होने हूँ, और ये हमने पी कार्ड वर्कशॉप रखी है। पी कार्ड का मतलब है पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग, मतलब जो बच्चे बहुत सीरियस हालत में आते हैं कि एक्यूट इमरजेंसीज होती हैं, उनको हम कैसे रिससिटेट कर सकें और उनको जीवन बचा सकें। लखनऊ में सुभाषपा की सावधान यात्रा से पहले ओम प्रकाश राजभर की पीसी शुरू हुई। आज से सुभाषपा और भागीदारी पार्टी मिलकर सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा आर्कवंशी समेत तमाम जातियों को सावधान करने के लिए निकाला गया। इसके हक के लिए जाति जनगणना की मांग तेजी से लाई जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होगी। इस यात्रा के खत्म होने पर गांधी मैदान में पटना से सावधान महारैली होगी। ओपी राजभर के आवास के बाहर जश्न का माहौल है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बन रहे दुर्गा पूजा का पंडाल तोड़ने पर बसंत खंड रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सेक्टर 4 में लगातार 7 सालों से दुर्गा पूजा हो रही थी। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की पूजा सेक्टर 4 के सेंट्रल पार्क में सालों से धूमधाम से मनाई जा रही थी। इसी पूरे मामले पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सलाहकार विवेक शर्मा ने कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मामले की जानकारी। भाई साहब, हम लोग 2015 से माता रानी की पूजा वहाँ पे करते आए हैं। निरंतर ये 8वां वर्ष है हमारा। 5 वर्ष हम लोगों ने लगातार वहाँ पूजा करी है, और पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण हम लोगों ने वर्चुअल पूजा करी है। और जो हमारी 2019 में ठीक कोविड के पहले की जो पूजा थी, वहाँ पे गोमती नगर विस्तार के इंडिपेंडेंट हाउस और 20 जो अपार्टमेंट हैं उनके मिला के करीब 8 से 10 हज़ार पब्लिक वहाँ पे आती है। वहाँ पे माता रानी की पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नहीं, हम लोग, मैं बसंत खंड रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ, और सन 2015 से हम लोग सेंट्रल पार्क में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश लेके 19 तक हम लोगों ने लगातार उस पार्क में पूजा की। बाकायदा हम लोग को उसकी परमिशन मिलती थी, और 2 वर्ष 2020 और 21 में कोविड के कारण हम लोगों ने पार्क में मूर्ति स्थापना नहीं। हम लोग सेंट्रल पार्क में 2015 से गोमती नगर विस्तार में पूजा करते आ रहे हैं। 2019 तक लगातार पूजा की है 5 साल। उसके बाद 2 साल थोड़ा सा कोविड के लिए गैप हो गया। हम लोगों का पूजा जो होता है वो एकदम शुद्ध विशुद्ध सिद्धांत मत से होता है, सनातन पद्धति से। हमारे पंडित जी आते हैं हावड़ा के, जो है हावड़ा से, वेस्ट बंगाल से 2 लोग आते हैं, और भोग बनाने के लिए भी एक जो है पंडित को लाया जाता है।
हर रोज़ माता रानी को अन्न भोग चढ़ाया जाता है और ये अन्न भोग फिर जो है जो श्रद्धालु उस समय रहते हैं उनमें बांटा जाता है। सीतापुर के विकास खंड मृषक के ग्राम पंचायत गर्मी में वृक्षारोपण करने पहुंचे डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड रणजीत सिंह मंडली कमांडेंट घनश्याम चतुर्वेदी ने अमृत सरोवर पर आम का वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निश्चय किया है। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर की जल निकासी का भी निरीक्षण किया। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में और शासन द्वारा अपराधियों को पकड़ने के क्रम में पुलिस ने अपराध को रोकने के लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस ने जनपद के सभी थानों में 82 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत अपराधों में कमी आएगी। क्या कुछ बताया अपर पुलिस अधीक्षक ने, आइए सुनते हैं। जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित अपराधियों और गैर जमानती वारंट के अपराधियों इनके गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया और इसमें पूरे जनपद की सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी उपनिरीक्षकगण, पूरी सभी थानों की टीमें ये प्रयास करके ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें 76 जो है ऐसे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जिनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट इशू था। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ड्रोन उड़ा रहे थे। दरअसल दोनों कर्मचारी लोक निर्माण के मेंटेनेंस विभाग के हैं। ड्रोन के माध्यम से सर्वे हो रहा था। विधानसभा की इमारत का सर्वे आधे घंटे तक चला, जहां पर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ चली। वहीं राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने ड्रोन उड़ाने का परमिशन दिखाया, जिसके बाद परमिशन दिखाकर दोनों व्यक्तियों को छोड़ा गया। अलीगढ़ में थाना खैर क्षेत्र के सोमना रोड रसूलपुर चौराहे पर दबंग भूमाफिया द्वारा गरीब की दुकान पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि दुकान पर कब्जा करने की धमकी देते हुए उसकी रोजी रोटी छीनने के उद्देश्य से उसे गोली मार कर हत्या किए जाने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर कई बार पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपियों से साठ गांठ कर ली है और उसे दुकान पर आकर धमकी दी है। दुकान टूटने का मसला ये है कि यहाँ इधर अंडरग्राउंड खुदा था और वो सही सलामत था, उसके बाद में जब ये हम दूसरे दिन आए तो वो दीवार गिर चुकी थी यहाँ। तो इसको मतलब इसका किस पे आरोप लग रहा है, कौन है, किसने गिराई? नहीं, गिराने का आरोप तो नहीं है, लेकिन इतना है कि हमारे जो मालिक हैं उनको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी जगह नाजायज है और तुम्हारी ये जगह नहीं है, जगह हमारी है। 2011 में बहनामा लयो तीन आदमीनों विजयपाल, इंद्रजीत और मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल दक्षिण साइड बेच गए और इंद्र को जिन बेच गए और मेरी बीच में रह गई। अब जबरदस्ती भूमाफिया जमीनें घेरबो चाह रहे और हमें मारबे की धमकी दे में। गाजियाबाद में लोनी कोतवाली क्षेत्र के लोनी तिराहा चौकी एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के पास फोटोग्राफर की दुकान में हथियार बंद बदमाशों ने दुकानदार को बंधक बनाकर मारपीट की और मारपीट करने के बाद दुकानदार का कैमरा और पैसे लूटकर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कुछ ही दूरी पर पुलिस बल तैनात था, फिर भी बेखौफ बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दो लड़के आए थे लंबे चौड़े थे जी, आके दुकान पे फोटो खिंचवाने कहने लगे जी मेरे फोटो खींच दो। अंदर मैं ले गया, उन्हें फोटो खींचने लगा, एकदम मेरे दो जनों ने एक ने चांटा मारा, चांटा मार के मैं तो बस बुला गया, भैया कैमरा छीन जाए मेरे से, तमंचा दिखा मुझे और मेरे हाथ पैर बांध के और मुँह बांध के गले में से जितने पैसे तो बोले। हरदोई में टढ़ियावा गांव के लहराई गांव भगवताचार्य के घर चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पार कर दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है और जल्द ही घटना का जाँच पड़ताल करके मामले का खुलासा किया जाएगा।
करीब 4-4.5 लाख की हुई है। उसमें कम से कम 3 लाख जेवर, 3 लाख के ऊपर का जेवर गया है और 80,000 रुपये नकद गया है। ये 2 बजे से और 3:30 बजे के बीच में हुई। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला, सनाब जगदीश प्रसाद शुक्ला, निवासी ग्राम मोहलिया शिवपार, विकास नगर पश्चिमी। वहाँ पे गत रात्रि में ये जानकारी में आया है कि कुछ चोरों द्वारा एक राजेश शुक्ला है, उनके घर में घुस के सब लोग सो रहे थे तो चोरी की गई है, जिसमें से कुछ नकदी और कुछ बताया जा रहा है कि जेवर गए हैं। इसमें फुटेज भी आया है जिसको चेक किया जा रहा है और सर्विलांस के माध्यम से इसमें से। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।